हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दूसरा आपका यूनेस्को है, इसका मुख्यालय दोस्तों आपका पेरिस में स्थित है। सभी के सभी इसमें जितने भी संगठन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी जो है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और याद भी करने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। एशियाई विकास बैंक एडीबी, इसका मुख्यालय मनीला में है। नेक्स्ट है आपका नाटो, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय आपका है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है आपका रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय है जनेवा। सार्क का है काठमांडू, इंटरपोल का है पेरिस, लाओंस। और दोस्तों इनके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं या जो इनके अध्यक्ष हैं, उनके बारे में मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा सभी के बारे में, और इनकी जो स्थापना का वर्ष है उसके बारे में, और जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं इनसे संबंधित उनको कम मनाया जाता है ना, तो इस तरह की अलग से पूरी एक वीडियो बना देंगे, तो वहाँ से आपको और अधिक हेल्प मिल जाएगी इसको कवर करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों WTO की, विश्व व्यापार संगठन, ये है आपका जेनेवा। नेक्स्ट है अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, ये है आपका वाशिंगटन DC। इसमें दोस्तों कुछ एक जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका अरब लीग है काहिरा। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जेनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग है आपका जेनेवा में। अफ्रीकी आर्थिक आयोग आदिस अबाबा। पश्चिम एशिया आर्थिक सहयोग है आपका बगदाद में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग है जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है आपकी वियना में। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये भी आपका वियना में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जेनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने। यूरोपीय कॉमन मार्केट जेनेवा। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन स्ट्रासबर्ग। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना। दोस्तों आप सभी को बताना है वियना किस देश की राजधानी है, कमेंट में जो है आप आंसर जरूर दीजिएगा किस देश की राजधानी वियना है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन आपका जेनेवा में है। राष्ट्रमंडल लंदन में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय आपका जेनेवा में है। यूरोपीय संसद ये है आपका लग्जमबर्ग। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग ये आपका बैंकॉक में है। गेट आपका जेनेवा में है। अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है इसमें और आपकी परीक्षा में जो आते हैं। इसमें दोस्तों यूनिसेफ है, यूनेस्को है, विश्व बैंक है, एडीबी है और नाटो है, ठीक है, ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट आपका IMF है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, रेड क्रॉस, सार्क, इंटरपोल। ये इंटरपोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। WTO। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर आता है यूरोपीय ऊर्जा आयोग, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल, यूरोपीय संसद, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय। तो ये दोस्तों कुछ एक जो महत्वपूर्ण संगठन थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके आपको आंसर जरूर देना है कि वियना किस देश की राजधानी है। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।